पूछा जा रहा है, 14 मार्च 2021 को किस भारतीय कलाकार का निधन हो गया? नाम दिया गया लक्ष्मण पै का, एंटोनियो अबार्डियो का, नाम आपको दिया गया है एनरिको एकेटियो का या फिर लुइंगी एकेटियो का। आपको बताना है भारतीय कलाकार। और मित्रों, इन चार नामों में आपने भारतीय कलाकार का नाम कौन सा पढ़ा होगा? तीन नाम तो आपको पाश्चात्य के दिखाई दे रहे होंगे, एक नाम भारतीय कलाकार और वो हैं लक्ष्मण पै। तो सही जवाब दुखद निधन 14 मार्च 2021 को हुआ लक्ष्मण पै का। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दो नंबर है, आपसे पूछ रहा है एचिंग के लिए जाने जाते हैं। नाम दिया गया जरीना हाशमी, मुकुल डे, के लक्ष्मा गौड़ और सोमनाथ होर का नाम है। आपको बताना एचिंग के लिए कौन जाना जाता है, एचिंग के लिए कौन जाना जाता है। चार नाम दिए गए हैं जिसमें से मुकुल चंद डे का नाम सटीक बैठेगा। सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तीन नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है ट्री लवर यानी वृक्ष प्रेमी, इस ट्री लवर को बताया जा रहा है कहाँ संग्रहित है। ये 1932 में विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था ट्री लवर। संग्रहित की बात करते हैं कहाँ रखा हुआ है, ललित कला अकेदमी नई दिल्ली में सुरक्षित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, कुमार गैलरी नई दिल्ली में सुरक्षित है या फिर चित्रकूट गैलरी कोलकाता में सुरक्षित है। ट्री लवर की अगर बात होती है 1932 की रचना है, सही जवाब बनेगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चार नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या चार आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौर पंचासिका। क्या? चौर पंचासिका। चौर पंचासिका के चित्र कहाँ निर्मित हुए थे? नाम दिया गया मेवाड़ के प्रतापगढ़ में बने हैं चौर पंचासिका के चित्र, मेवाड़ के उदयपुर में बने हैं, मेवाड़ के भरतपुर रियासत में बने या फिर मेवाड़ के देवकुल पाटन यानी देववाड़ा में बने। आपको बताना है चौर पंचायशिका के चित्र कहाँ पर चित्रित हुए हैं। तो चौर पंचायशिका की जैसे बात हो आपको प्रतापगढ़ याद होना चाहिए, वो भी मेवाड़ वाला यानी राजस्थानी शैली वाला। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन पाँच नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछा जा रहा है मित्रों मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय हैं, नाम दिया गया आखेट हैं, राधा कृष्ण है, युद्ध है या फिर बुद्ध है। मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय क्या है? मित्रों मेवाड़ शैली आप जानते हैं राजस्थान शैली का हिस्सा है, और राजस्थान शैली का जो प्रमुख विषय रहा है उसमें राधा कृष्ण और रासलीला खूब ज़्यादा बनाया गया। तो सही जवाब जो बनेगा राधा कृष्ण के साथ बनेगा, सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन छः नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, पूछा जा रहा है 1648 ईस्वी में उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र किसने अंकित किए? नाम मनोहर का है, नाम बंसी का है, नाम शाहबद्दीन का है और नाम रघुनाथ का है। आपको बताना है 1648 में उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र किसने बनाए? श्रीमद् भागवत महापुराण के चित्र उदयपुर में शाहबद्दीन ने बनाए, सन 1648 के आसपास की बात होती है। सही जवाब शाहबद्दीन लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन सात नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा जा रहा है निजामुद्दीन के मेले, निजामुद्दीन के मेले में, ऐसा शीर्षक से चित्र किसने बनाया है? निजामुद्दीन के मेले में चित्र रचना किसकी है? नाम दिया गया भावेश चंद्र शान्याल की है, अर्पिता सिंह की है, के लक्ष्मा गौड़ की है या फिर अशित कुमार हालदार की है। आपको सटीक आंसर देना है। निजामुद्दीन के मेले में जो शीर्षक रचना है इसके कलाकार भावेश चंद्र शान्याल हैं, बी सी शान्याल हैं। सही जवाब बी सी शान्याल के साथ लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकल वुमेन, ये प्रस्तर पे मुड़ी हुई रचना है, आपसे पूछा जा रहा है इसका संग्रहालय चंडीगढ़ में रखा हुआ है, ये मूर्ति शिल्पी किसने निर्मित की या किसने बनाई। आपको बताना वर्टिकल वुमेन रचना भावेश चंद्र सान्याल की है, शांखो चौधरी की है, राम किंकर वैज की है या फिर वी आर खजूरिया की है। आंसर्स देना है वर्टिकल वुमेन के लिए। अगर बात करते हैं वर्टिकल वुमेन की, बहुत अच्छी रचना है मित्रों, सही जवाब बी सी सान्याल देना होगा, भावेश चंद्र सान्याल देना होगा, इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ अच्छा छापाकार भी रहा। नाम दिया गया अच्छी छापाकार रही, यानी महिला की बात हो रही है, जरीना हाशमी का नाम दिया गया कि चित्रकार के साथ छापाकार हैं। नाम भारती खेर का है, नसरीन मोहम्मदी का है और उर्पिता सिंह का भी दिया गया है। आपको सटीक आंसर देना है, चित्रकार हूँ उसके साथ छापाकार भी हूँ, एक अच्छी छापाकार हूँ, तो सही जवाब जरीना हाशमी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मनोहर चित्रकार द्वारा 1649 ईस्वी में चित्रित रामायण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित कराई गई। नाम है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रामायण रखी है मनोहर कृति। नाम दिया गया प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई में रखी है जो मनोहर ने चित्रित की है रामायण। नाम दिया गया सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। नाम दिया गया भारत कला भवन वाराणसी में। मनोहर ने जो रामायण की प्रतियां सज्जित की हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं। मुंबई का एक संग्रहालय होता है प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय मुंबई नाम होता है, सटीक आंसर्स वही बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस मतलब 11 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों। 11 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है किसने छापा चित्रण यानी प्रिंट मेकिंग का अध्ययन। S.W. हेटर और कृष्णा रेड्डी के साथ इटैलियर 17 पेरिस में किया। नाम दिया गया अनुपम सूद ने किया, जरीना हाशमी ने किया, दीपक बनर्जी ने किया या फिर आर.एम. पालानी अप्पन ने किया। आपको बताना है कि S.W. हेंटर और कृष्णा रेड्डी के साथ इटैलियर 17 पेरिस में किसने जो है प्रिंट मेकिंग का अध्ययन किया है। प्रिंट मेकिंग सीखने का जो काम रहा है इटैलियर 17 में वो जो है हेंटर के साथ कृष्णा रेड्डी के साथ किसने सीखा है, वो सीखा है जरीना हाशमी ने। तो सही जवाब आपको जरीना हाशमी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया छापाकार देवराज डकोजी। देवराज डकोजी का जो जन्म है वो 1944 ईस्वी में कहाँ हुआ। नाम दिया गया हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, नई दिल्ली। देवराज डकोजी की बात हो तो आपको याद होना चाहिए कि 1944 में इनका जन्म निजाम वाले शहर में हुआ, निजाम का शहर मतलब हैदराबाद, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सूरदास पदावली के आधार पर कृष्ण चरित्र के अनेक चित्र किस शैली में बने। शैली का नाम मेवाड़ है, जयपुर है, मारवाड़ है या फिर बीकानेर है। कृष्ण चरित्र के ज़्यादातर जो दृश्य बने हैं मेवाड़ में बने, तो सही जवाब मेवाड़ शैली दो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे मित्रों। पूछा जा रहा है माइकल एंजिलो किस रूप में जाने जाते हैं। नाम दिया गया चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर छापाकार हैं। माइकल एंजलो की अगर बात होती है प्रख्यात मूर्तिकार आंसर्स लगाना, सही जवाब बी के साथ बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है किस कार्टूनिस्ट और इलस्ट्रेटर ने अनेक बाल पुस्तकों जैसे कि रस्किन बॉन्ड हो जिसे अनेक ट्रबल्स कहा जाता है, सिगरन श्रीवास्तव हो, द घोस्ट राइटर ऑफ दरभंगा हो, इनके साथ अपनी किताब द स्टोरी ऑफ अ पैंथर
द स्टोरी ऑफ अ पैंथर के लिए चित्र किसने बनाए? नाम दिया गया शांति दबे ने बनाए, देवराज डकोजी ने बनाए, सोमनाथ होर ने बनाए या फिर मिक्की पटेल ने बनाए? सही जवाब क्या होगा मित्रों? द स्टोरी ऑफ पैंथर के लिए चित्र रचना किसने की है? स्टोरी ऑफ पैंथर के लिए चित्र किसने बनाए? चार नाम आपको दिया गया, सटीक आंसर देना है, सही जवाब देना है। सही जवाब मिक्की पटेल है, मिक्की पटेल है। बी नहीं, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ, डी के साथ आंसर्स बैठाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया गणेश पाइन, गणेश पाइन किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रिंट मेकर, पेंटर, फोटोग्राफर या फिर फोक डांसर? आपको बताना गणेश पाइने का संबंध किस रूप में है। चारों नाम पढ़ने के बाद यहाँ पर एक शब्द दिया गया पेंटर, तो सही जवाब पेंटर के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आपसे पूछा जा रहा है फीडर विथ रेस्ड आर्म, फीडर विथ रेस्ड आर्म के चित्रकार हैं। नाम दिया गया एडुआर्डो पाओलाजी हैं, विक्टर पासमोर हैं, एंड्रिया कासेला हैं और जॉर्ज बोर्सेलेटस। आपको बताना है फिगर विथ रेड आर्म की बात होती है, रचना किसने बनाई है? चार नाम दिया गया है, पाश्चात्य कलाकारों के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको सटीक आंसर देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं फिगर विथ रेड आर्म की, तो इसकी रचना जॉर्ज बसेट्टी ट्रच के द्वारा जो है बनाई गई। सही जवाब जॉर्ज बोर्सेलेटस के द्वारा। आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स पाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है किस चित्रकार ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला भवन के अध्यक्ष पद पर कार्य किया? नाम दिया गया सनतकर ने किया, ज्योति भट्ट ने किया, के लक्ष्मा गौड़ ने किया या फिर क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने किया? आपको आंसर्स देना है। सटीक आंसर्स की बात करें तो प्रयागराज विश्वविद्यालय में जो कला विभाग है उसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, नाम होता है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, तो सही जवाब क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के साथ देना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है चमकदार और तेज रंगों का प्रयोग किस लघु चित्र शैली में किया गया है? नाम दिया गया मेवाड़ शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली या फिर बीकानेर शैली। चमकदार और तेज रंगों का प्रयोग जो है कौन सी लघु चित्रण शैली में हुआ? उस शैली का नाम मेवाड़ शैली होता है। सही जवाब ए के साथ लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया दीपक और चांद, दीपक और चांद द लैम्प एंड मून पेंटिंग किसकी है? नाम दिया गया जतिन दास की है, अपर्णा कौर की है, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई की है या फिर के लक्ष्मा गौड़ की? दीपक और चांद जो रचना है मित्रों वो बनाई जाती है आउनी बाबू की एक बढ़िया शिष्य हैं, परम शिष्य हैं, चारों में नाम दिया गया है अब्दुल मोहम्मद अबू रहमान चौतई का, तो अब्दुल रहमान चौतई आंसर्स बनेंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है लव बियॉन्ड मिस्योर, लव बियॉन्ड मिस्योर किसका चित्र है? नाम दिया गया अपर्णा कौर का है, डॉक्टर ज्योति अग्रवाल का है, अनुपम सूद का है या फिर अर्पिता सिंह का है? लव बियॉन्ड मिस्योर किसका चित्र है? सही जवाब चारों में अपर्णा सिंह नहीं अपर्णा कौर बनेंगे, सही जवाब जो है अपर्णा कौर लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है किस शैली में चेहरे जो है अंडाकार बनाए गए हैं? नाम दिया गया मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली या फिर उनियारा शैली? आपको बताना है कौन सी शैली ऐसी है जिसमें चेहरा अंडाकार रूप में बनाया गया हो, तो सही जवाब बनता है जहाँ पर राधा कृष्ण का प्रेम बहुत अच्छे से दर्शाया गया हो वही है इसके लिए अंडाकार के लिए जिम्मेदार, तो सही जवाब मेवाड़ शैली बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया
93वां एकेडमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो 93 क्रम की ऑस्कर नेमैड लैंड ने जीता है, मैरिज स्टोरी ने जीता, गली बॉय ने जीता या फिर टाल स्टोरी ने जीता। आपको बताना है 2021 का ऑस्कर पुरस्कार 93 क्रम का किसने जीता है? तो नेमैड लैंड ने जीता है। सही जवाब नेमैड लैंड बनाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 24 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किस चित्र शैली में आभूषणों आदि में स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग किया गया? जयपुर शैली में, उदयपुर शैली में, किशनगढ़ शैली में या फिर मेवाड़ शैली में? स्वर्ण कीट की कतरन का जो प्रयोग है मित्रों वो किया गया मेवाड़ शैली में। तो सही जवाब मेवाड़ लगाओ, जहां पर आप जानते हैं कि अंडाकार क्या बनाया गया, मुखाकृतियों को बनाया गया, जहां पर राधा कृष्ण का अंकन बहुत बढ़िया से किया गया, राधा और कृष्ण जहाँ के विषय रहे हों वो है आपकी मेवाड़ शैली। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है? ब्लू पॉटरी का जादूगर कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा को, कृपाल सिंह शेखावत को, परमानंद चोयल को या फिर शैलेंद्रनाथ टैगोर? जो ब्लू पॉटरी का जादूगर है मित्रों वो किसे कहा जाता है? चारों नामों में आप एक नाम याद रखना, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छे से इनका नाम याद होता है। तो सही जवाब कृपाल सिंह शेखावत लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्र बिंदुनाथ जो 1976 में कैनवास पर एक क्लेरिक रंग से बनाया गया, ये किसने बनाया है? आपको नाम दिया गया, गॉय तोंडे ने बनाया है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है, राम कुमार की रचना है या फिर सैयद हैदर रजा के द्वारा बनाया गया है? सही जवाब देना है बिंदुनाथ। ये बिंदुनाथ चित्र किसका है? सही जवाब सैयद हैदर रजा बनेंगे, सही जवाब डी के साथ बनेंगे, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मित्रों मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया गिरजा किशोर अग्रवाल हैं, नाम दिया गया श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, नाम दिया गया डॉक्टर मोती चंद हैं, नाम दिया गया हरमन गोयत सच। आपको बताना मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मेवाड़ पेंटिंग पुस्तक अच्छी रचनाओं में शुमार है, सही जवाब मोती चंद के साथ बनेगा, डॉक्टर मोती चंद आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मित्रों जोधपुर नगर को 1458 ईस्वी में किसने बसाया? जोधपुर नगर को 1458 ईस्वी में किसने बसाया था? नाम दिया गया राठौर जोधा जी ने बसाया, नाम दिया गया गज सिंह ने बसाया, नाम दिया गया विजय सिंह ने बसाया या फिर नाम दिया गया मान सिंह ने बसाया है? जोधपुर नगर की बात होती है, 1458 ईस्वी की बात होती है, बसाने की बात हो तो सही जवाब राठौर जोधा जी आंसर्स बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा, ए के साथ आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों क्या पूछा जा रहा है? ऑफ पीस एंड डिस्कशन किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया रिनी धुमाल ने बनाया, नाम अपर्णा कौर का है, नाम विनोद कुमार का है और नाम राजेंद्र प्रसाद का भी दिया गया है। आप पीस एंड डिस्कशन जैसी प्रसिद्ध पेंटिंग किसने रची है, किसने बनाई है, किसने उकेरी है? चारों नामों में जो सबसे अच्छा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा वो रचना है रिनी धुमाल की। तो आप पीस एंड डिस्कशन पेंटिंग जो बनाई गई रिनी धुमाल की रचना है, सही जवाब आपको रिनी धुमाल के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मित्रों लव स्टोरी ऑफ बाउचा बुनेही
लव स्टोरी ऑफ बाउचा बुनो ही किसने पेंट किया है? नाम दिया गया रेनी धुमाल ने बनाया है, आपको नाम दिया गया है रीमा कुंडू ने बनाया है, नाम दिया गया सनतकर ने बनाया, नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया। लव स्टोरी ऑफ बाउचा बुनेही की बात हो, किसके द्वारा बनाई गई रचना है? सही जवाब क्या बनेगा मित्रों? चारों नामों में आपको लव स्टोरी ऑफ बाउचा बुनेही के लिए रीमा कुंडू का नाम लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है मित्रों? आपसे पूछ रहा है 1964 ईस्वी में जयपुर में बने एक रेलवे स्टेशन पर 6x9 फीट का ढोला मारू चित्र किसने बनाया? ढोला मारू चित्र देवकी नंदन शर्मा का है, ग्यारसी लाल का है, परमानंद चोयल का है या फिर गोवर्धन लाल जोशी का है? आपको बताना है ढोला मारू चित्र किसने बनाया। मित्रों ढोला मारू चित्र की बात हो 1964 में जयपुर रेलवे स्टेशन पर 6 फीट लंबा 9 फीट चौड़ा 6x9 फीट का ढोला मारू चित्र किसने? सही जवाब पक्षियों के चितेरे देवकी नंदन शर्मा लगाओ। देवकी नंदन शर्मा फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे रहा। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने? नाम दिया गया मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली या फिर बूंदी कोटा शैली। आपको बताना है लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के सर्वाधिक चित्र, लोक गाथाओं के मैक्सिमम चित्र कहाँ पर बने? सही जवाब मारवाड़ शैली बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि नाइट वॉच क्या? नाइट वॉच ये 2003 की रचना है, किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया रेनी धुमाल की है, नाम दिया गया रीना सैनी कालार की है, नाम दिया गया प्रतिभा की है, नाम दिया गया पिल्लू आर पोचखान वाला की है। नाइट वॉच की बात हो, रचना किसने बनाई है? नाइट वॉच पेंटिंग जो है वो कलार की है। सही जवाब रीना सैनी कलार लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चंस 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है इरोजन, इरोजन जो है ये क्षरण किसकी कृति है? नाम दिया गया पिल्लू आर पोचखान वाला की है, नाम दिया गया अनुपम शूद की है, नाम दिया गया लतिका कट की है और नाम दिया गया देवराज डकोजी की है। इरोजन यानी क्षरण किसकी रचना है? इरोजन की अगर बात हो मित्रों, चार नामों में एक नाम पी आर पोचखान वाला सही जवाब लगाओ या पिल्लू पोचखान वाला आंसर्स लगाओ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे सॉफ्ट लेड यानी मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? नाम दिया गया HB पेंसिल, 4B पेंसिल, 2B पेंसिल या फिर 9B पेंसिल। सबसे सॉफ्ट, सबसे मुलायम वाला नोड किसका होता है या मुन्नी किसकी होती है, नोक किसकी होती है? तो उस पेंसिल को हम लोग 9B पेंसिल के नाम से जानते हैं। डी के साथ आंसर शेयर करना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? नाम दिया गया उत्तर भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, नाम दिया गया इलाहाबाद मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, नाम दिया गया उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, नाम दिया गया प्रयाग कला केंद्र है। आपको सही जवाब देना है। चारों नामों में सही नाम क्या है? इलाहाबाद स्थित है सांस्कृतिक कला केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। सटीक नाम की बात करते हैं तो पहले आएगा उत्तर, फिर मध्य, फिर क्षेत्र, फिर सांस्कृतिक, फिर केंद्र, फिर लास्ट में प्रयागराज। प्रयागराज ये सही जवाब है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है कठफोड़वा, कठफोड़वा कृति किसकी है? नाम दिया गया कविता नायर की है, नाम दिया गया ममता बनर्जी की है, नाम दिया गया दाय नीता की है, दाय
नीता सिंह की है, नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कठफोड़वा कृति किसकी है? कठफोड़वा कृति की अगर बात होती है, चारों नामों में एक नाम सटीक आंसर जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में यानी 70 के दशक में 67 वर्ष की उम्र में चित्रकला की ओर उन्मुख हुए हों, 1913 में जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला हो, कई जगह कवींद्र कवि जवे रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से फेमस हों, चाचा जी हों। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, इसमें एक सुरक्षित है पास्ट मेमोरी। पास्ट मेमोरी किसकी रचना है? नाम दिया गया सुरजीत आंकरे की है, सोमनाथ होर की है, अमृता सेरगल की है या फिर अर्पिता सिंह की है। पास्ट मेमोरीज की बात हो, बहुत अच्छी रचना होती है मित्रों। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, जो ये रचना है मित्रों वो है सुरजीत आंकरे की। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर सुनाना होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। क्या पूछ रहा है 39 नंबर? पूछा जा रहा है 1910 नहीं 2010 की ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही है एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप, जो स्ट्रीट आर्टिस्ट बेकेंजी द्वारा निर्देशित है, 21 कलाकार के ऊपर आधारित की गई है। बेंकी ने जो है किसके ऊपर ये फिल्म बनाई? एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप। एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप की अगर बात होती है, माइकल एंजलो की जीवनी पर है, रेनवार पर है, मेरी कैमेट पर है या फिर थेरी गुएट्टा पर है? आपको सही जवाब देना है, स्ट्रीट आर्टिस्ट बेंकी ने एक फिल्म बनाई है, फिल्म का नाम है एग्जिट थ्रू द गिफ्ट शॉप। गिफ्ट शॉप को छोड़ना, ये जो रचना है मित्रों ये किस कलाकार के ऊपर आधारित है? तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है थेरी गुएट्टा के जीवनी पर आधारित है। सही जवाब थेरी गुएट्टा लगाओ, बी इज द राइट आंसर सुनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपसे पूछा जा रहा है दो वकील करती है, नाम दिया गया रवीन्द्रनाथ टैगोर की है, दोमिये महोदय की है, एम एफ हुसैन की है या फिर रेम्ब्रा महोदय की। दो वकील रचना किसकी है? दो वकील की बात हो, दो वकील दोमिये, दो वकील दोमिये। तो सही जवाब क्या बनेगा दो वकील के लिए? दोमिये का नाम लगाना होगा। सही जवाब जो है बी के साथ बनाना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41 नंबर। क्या पूछ रहा है मित्रों 41 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है वह कलाकार जिन्हें पलाश के फूल इतने पसंद थे कि शांति निकेतन में अपने घर का नाम ही पलाश रख दिया था, अपने घर का नाम पलाश रख दिया हो। नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर है, नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर है, नाम सुधीर रंजन खास्तगीर है, नाम नंदलाल बोस है। आपको बताना है कि पलाश के फूल इतने पसंद हों कि घर का नाम पलाश रख दो, ऐसे सुविख्यात कलाकार का नाम सुधीर रंजन खास्तगीर है। सही जवाब सुधीर रंजन खास्तगीर के साथ दो, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है सनत कर, सनत कर का जन्म 1935 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? नाम दिया गया शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हुआ, नाम दिया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, नाम दिया गया पटियाला पंजाब में हुआ, नाम दिया गया अंधेरी महाराष्ट्र में हुआ। सनत कर का जन्म 1935 में कहाँ पर हुआ था? सही जवाब शांति निकेतन बनेगा, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल राइट आंसर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि प्रसिद्ध कृति प्रहार, प्रहार जो 1969 पर है, कागज पर लिथियोग्राफ से बनाई गई है, किसकी रचना है प्रहार? नाम सोमनाथ होर का है, नंदलाल बोस का है, राम किंकर वैज का है या फिर सनत कर का है? प्रहार रचना किसकी है? प्रहार आप जानते हैं मित्रों, जो प्रहार लिथियोग्राफी रचना है ये बनाई गई है सोमनाथ होर के द्वारा। तो सही जवाब सोमनाथ होर लगाओ।
फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, देर वेश। तो देर वेश कागज पर वुड इंटेग्लियो के द्वारा बनाई गई है, ये किस कलाकार की रचना है? दरवेश बताओ आपको किस कलाकार ने बनाया दरवेश। दरवेश रचना सोमनाथ होर की है, रामकिंकर वैज की है, सनतकर की है या फिर जयकृष्ण अग्रवाल की है? दरवेश रचना की बात हो जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है, तो इस रचना को बनाने का काम सनतकर का रहा है। दरवेश रचना कागज पर वुड इंटेग्लियो के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब सनतकर के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 45 नंबर क्वेश्चन से कहा जा रहा है, के एस कुलकर्णी की कृति है स्नान रथ सौंदर्य जो बोर्ड पर तैल रंग से बनाई गई है, कहाँ सुरक्षित रखी हुई है स्नान रथ सौंदर्य? किसकी रचना है स्नान रथ सौंदर्य? के एस कुलकर्णी की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है, बिंद्रा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखी है, आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में रखी है या फिर निजी संग्रहालय में रखी हुई है स्नान रथ सौंदर्य? स्नान रथ सौंदर्य की अगर बात हो मित्रों, नई दिल्ली का एक संग्रहालय है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नाम होता है, वहीं रखी हुई है। के एस कुलकर्णी की अच्छी रचनाओं में शुमार है, तैल रंग पे बनी हुई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपसे क्या पूछ रहा है? 46 नंबर कह रहा है, कांटा निकालते हुए किस शैली का चित्र है? नाम दिया गया मेवाड़ शैली का, जयपुर शैली का, मारवाड़ शैली का या फिर बीकानेर शैली का? कांटा निकालते हुए किसकी रचना? सही जवाब मारवाड़ शैली लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों, लंबे चौड़े गठीले बदन तथा गलमुच्छा के साथ पुरुष किस शैली में चित्रित किए गए? नाम दिया गया जोधपुर में चित्रित किए गए, अलवर में चित्रित किए गए, मेवाड़ में चित्रित किए गए या फिर जयपुर में चित्रित किए गए? लंबे चौड़े गठीले बदन वाले गलमुच्छा के साथ पुरुषों को कहाँ बनाया गया? चारों नामों में एक नाम। सही जवाब जोधपुर शैली लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ, ए के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? नाम दिया गया 10.5 सेंटीमीटर है, 8.2 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर या फिर 9.3 सेंटीमीटर? आपको आंसर देना है। नृत्यांगना जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, कहाँ से मिली है? मृतकों का टीला से मिला है। लंबाई क्या है? तो इसकी हाइट जो है 10.5 सेंटीमीटर है, इंच में पूछा जाता 4.1 इंची हो जाता। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, किस शैली में पुरुषों की तुलना नारी आकृतियाँ यानी छोटे आकार की बनाई गई? आपको बताना है, पुरुषों की तुलना में नारी की आकृति यानी महिलाओं की आकृतियों को थोड़ा छोटे आकार में बनाया गया, मेवाड़ शैली में, जोधपुर शैली में और जयपुर शैली में या फिर उनियारा शैली में? आपको आंसर देना है मित्रों, छोटे आकार की, पुरुष की अपेक्षा छोटे आकार की जो नारी रचना है वो बनाई गई है जोधपुर शैली में। तो सही जवाब बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 50 नंबर क्वेश्चंस होगा, आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि किस शैली के व्यक्ति चित्रों में राजपूतानी स्वाभिमान तथा सामंती शान का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है? कौन सी शैली में राजपूतानी शान को बढ़िया से बनाया गया? नाम बीकानेर शैली का है, जोधपुर का है या फिर किशनगढ़ का है? मित्रों एक का नाम आप जयपुर शैली, क्योंकि दो जगह बीकानेर लिखा हुआ है। अब आंसर्स बताओ कि राजपूतानी स्वाभिमान और सामंती शान का जो है प्रदर्शन बढ़िया किया गया हो, तो ऐसा कारनामा जोधपुर शैली में किया गया है। सही जवाब जो है जोधपुर लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, जोधपुर शैली के
चित्रों का जो मुख्य विषय वस्तु है क्या रहा है, ढोला मारू रहा है, गीतु गोविंद रहा है, रसिक प्रिया रहा या फिर रामायण रहा। जोधपुर शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय वस्तु रहा है मित्रों, वो आपका रहा है ढोला मारू। ढोला मारू विषय चित्र खूब बने हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर सुनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, 52 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। 52 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है बीकानेर नगर, बीकानेर नगर की स्थापना 1485 ईस्वी में किसने की थी। नाम दिया गया राव बीकोजी ने किया है, नाम कर्ण सिंह का है, राय सिंह का है या फिर अनुपम सिंह का है या सॉरी अनूप सिंह का है। बताना है बीकानेर नगर की स्थापना 1485 ईस्वी में किसने की। मित्रों बीकानेर नगर है तो बीकाजी किए हैं, तो बीकाजी आंसर्स लगाओ, राव बीकाजी आंसर्स फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है बीकानेर शैली के या बीकानेर शैली में प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ जो आपका भागवत पुराण है इसका चित्रण किसके समय में हुआ है। नाम दिया गया बीकाजी के समय में हुआ, कर्ण सिंह के समय में हुआ, राय सिंह के समय में हुआ या फिर अनूप सिंह के समय में हुआ है। भागवत पुराण की बात होती है किसके समय में चित्रित हुआ है, सही जवाब बनेगा राय सिंह के समय में चित्रित हुआ, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, 54 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। ये 54 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बीकानेर के हिस्सा मुद्दीन उस्ताद किस विधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। नाम दिया गया लघु चित्रण के लिए हैं, ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए हैं, ब्लू पोर्ट्री के लिए हैं या फिर लाख चित्रकारी के लिए हैं। हिस्सामुद्दीन उस्ताद कौन सी विधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, तो आप जानते हैं कि बीकानेर के हैं, बीकानेर में ज़्यादातर ऊँट की खालों पर चित्रकारी की गई है, तो सही जवाब ऊँट की खाल की चित्रकारी के लिए हिस्सामुद्दीन उस्ताद को ख्याति प्राप्त है, सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, 55 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है किस शैली में कोमल रंगों का प्रयोग हुआ। नाम दिया गया मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली या फिर बीकानेर शैली। कौन सी शैली है जिसमें कोमल रंगों का प्रयोग किया गया। कोमल रंगों का जो प्रयोग दिखाई देता है वो बीकानेर शैली में दिखाई देता है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा जा रहा है किस शैली में मोतियों के आभूषणों का अत्यधिक अंकन मिलता है। नाम दिया गया जयपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या फिर नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली है जिसमें मोतियों के आभूषणों का अत्यधिक अंकन दिखाई देता है। सही जवाब क्या बनेगा, सही जवाब बीकानेर बनेगा, सही जवाब बीकानेर लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स पाओ, सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, 57 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। नाम दिया गया रासायनिक रंग, प्राकृतिक रंग, जल रंग या फिर इंद्रधनुषीय रंग। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब क्या बनेगा। चारों नामों में एक नाम सही लगाना, मधुबनी चित्रण ये बिहार वाला है, बिहार वाला, और बिहार में जो रंग प्रयोग किया गया उसमें जल रंग ज़्यादा बढ़िया बनाया गया, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगला क्वेश्चंस 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति भवन जो भारत को डिजाइन करने का काम रहा वो किसने किया है। नाम दिया गया एडविन लुटियंस ने किया है, नाम दिया गया जाप चारनाक ने किया है, सतीश गुजराल का नाम है और इसमें से कोई नहीं का भी नाम दिया गया। राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में स्थित है उसको डिजाइन करने का काम किसका रहा है, किसने डिजाइन किया मित्रों। चार नामों में एक नाम एडविन लुटियंस, तो सही जवाब लुटियंस बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगला क्वेश्चंस 59 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है किस शैली के अधिकांश चित्र जो है मुसलमान थे, तो अधिकांश चित्रकार कौन सी शैली के मुसलमान रहे। मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली,
मारवाड़ शैली या फिर जयपुर शैली। ज़्यादातर चित्रकार जो है मुसलमान रहे हों, शैली कौन सी होगी? चार नामों में एक शैली सही जवाब है, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली यानी सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट्स, इस पुस्तक के लेखक कौन? इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर पुस्तक आर्य अग्रवाल ने लिखी, हरमैन गोएटर्ज ने लिखी, मोती चंद खंजाची ने लिखी या फिर राय कृष्ण दास ने लिखी। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट्स की अगर बात होती है, रचना जो लिखी जाती है हरमैन गोएटर्ज के द्वारा लिखी जाती है, तो आपको सही जवाब हरमैन गोएटर्ज लगाना होगा, बी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान कांगड़ा कलम का है, वही स्थान राजस्थानी शैली में किसका है? नाम जयपुर का है, किशनगढ़ का है, बीकानेर का है या फिर मेवाड़ का है? पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान कांगड़ा कलम का है, वही स्थान राजस्थानी शैली में किसका है? तो वही स्थान राजस्थानी शैली में अगर देखा जाए तो किशनगढ़ का बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। नाम दिया गया एक्रेलिक बाइंडर, लिक्विड ऑयल, टारपीटाइन ऑयल या फिर फेबिकोल। आयल कलर में जो बाइंडर प्रयोग किया जाता है मित्रों, वो जो है लिक्विड ऑयल प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब लिक्विड ऑयल लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है किस मुग़ल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? लाल किला आगरा में बनाया गया है, लाल किला दिल्ली में बनाया गया, शाही कोर्ट लाहौर में है या फिर फतेहपुर सीकरी में मुसम्मन बुर्ज है? मुगलिया स्मारक है, आप जानते हैं लाल किला जो दिल्ली वाला, उसमें मुसम्मन बुर्ज है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है किस कला प्रेमी राजा ने जयपुर को बसाया था? नाम दिया गया सवाई जय सिंह ने बसाया, बिहारी मल ने बसाया, राजा मान सिंह ने बसाया या फिर राजा जय सिंह ने बसाया। कौन से कला के प्रेमी राजा हैं जो जयपुर को बसाते हैं? सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब मित्रों सवाई जय सिंह बनेंगे। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, सवाई जय सिंह इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कौन सा एक फ्लैट फेस रोमन टाइप, फ्लैट फेस रोमन टाइप कौन सा है? नाम दिया गया वास वाल्ड है, ऑस्टिन कूपर है, कूपर म्यूरलिस्ट है या फिर कूपर ब्लैक है। आपको बताना है फ्लैट फेस रोमन टाइप कौन सा है। तो फ्लैश फेस रोमन टाइप जो है वो है कूपर ब्लैक। सही जवाब कूपर ब्लैक के साथ दो, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? यशोधरा चरित्र, यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ का चित्रण कहाँ हुआ था? नाम दिया गया आमेर में हुआ, सिकंदरा में हुआ, फतेहपुर सीकरी में हुआ या फिर आगरा में हुआ। यशोधरा चरित्र नामक जो ग्रंथ चित्रित किया गया वो किया गया मित्रों आमेर में। तो सही जवाब आमेर लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक और नाटककार थे। नाम दिया गया लियो टॉलस्टॉय, नाम दिया गया रोमा रोला, नाम दिया गया मैक्सिमम गोर्की और नाम दिया गया आर्थर शोपेनहावर। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हों, फ्रांसीसी लेखक और नाटककार हों। सही जवाब क्या बनेंगे? सही जवाब रोमा रोला बनेंगे, बी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मित्रों लाइफ ऑफ माइकल एंजलो, लाइफ ऑफ माइकल एंजलो 1906 की पुस्तक है, किसने लिखी है? नाम दिया गया रोमा रोला ने लिखी है,
लियो टालस्टॉय ने लिखी है, माइकल एंजेलो ने लिखी, या फिर महात्मा गांधी ने लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो लिखी है। लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो की बात हो 1906 में ये पुस्तक लिखी जाती है। सही जवाब रोमा रोला बनते हैं। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों, सती जो 1907 में कागज़ पर वास माध्यम में टेम्परा माध्यम में बनाई गई हो, ऐसी पेंटिंग किसने बनाई? सती रचना उन्नीनाथ टैगोर की है, वेंकटप्पा की है, शैलेंद्रनाथ डे की है, या फिर नंदलाल बसु की है? आपको बताना है मित्रों सती रचना किसकी है। सती रचना की अगर बात हो, चार नामों में एक नाम आंसर लगाना। मास्टर मोसा इज द राइट आंसर, यानी नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, संसद भवन ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? नाम दिया गया हार्वर्ड बेकर के द्वारा, जायस चारनाक के द्वारा, एडवेंस लोटियंस के द्वारा, या फिर सतीश चंद गुजराल के द्वारा? संसद भवन किसके द्वारा जो है डिजाइन किया गया? सही जवाब हार्वर्ड बेकर लगाना। अगर दिल्ली की बात हो या लाल किले की बात होती तब एडवेंस लोटियंस बनेंगे। हार्वर्ड बेकर संसद भवन को डिजाइन करने का काम करते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हर्ष हार्न म्यूजियम एंड स्कल्पचर गार्डन ये वाशिंगटन में प्रदर्शित क्यूबी है, क्यूबी गुणे द्वारा ये 1963 की रचना है, स्टेनलेस स्टील की प्रतिमा है, किसके द्वारा बनाई गई? अनीश कपूर ने बनाई, विमान सुंदरम ने बनाई, सुबोध गुप्ता ने बनाई, या फिर डेविड स्मिथ ने बनाई? आपको बताना है हिर्स हार्न म्यूजियम एंड स्कल्पचर गार्डन, ऐसी रचना जो है डेविड स्मिथ की है। सही जवाब डेविड स्मिथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर सुनाओ। फिर बढ़ेंगे मित्रों अगले क्वेश्चंस की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया बैंड वाला श्रृंखला, बैंड वाला श्रृंखला जो 2002 में बनाई गई है किसका है? नाम दिया गया सैयद हैदर रजा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, कृष्णा खन्ना का है, या फिर राम कुमार का है? बैंड वाला श्रृंखला, बैंड वाला श्रृंखला जो है कृष्ण खन्ना की बहुत अच्छी रचना है। तो सही जवाब कृष्ण खन्ना लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों बिस्मिल्ला खान थे तबला वादक, शहनाई वादक, बांसुरी वादक, या फिर कोई नहीं? बिस्मिल्ला खान की अगर बात होती है, आप जानते हैं शहनाई बजाने में प्रवीण थे। सही जवाब शहनाई वादक लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, यशोधरा का सर्वस्व दान ये अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम दिया गया गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, या फिर गुफा संख्या 9? यशोधरा का सर्वस्व दान की अगर बात होती है, किसने बनाई या कहाँ चित्रित है? अजंता में चित्रित है। अजंता की जो चित्रशाला है, अजंता की चित्रशाला है, आप जानते हैं 30 गुफाओं में 17 नंबर गुफा चित्रशाला कहलाती है, वहीं पर यशोधरा का सर्वस्व दान चित्रित है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार है? नाम दिया गया शहाबुद्दीन, निहाल चंद, मंसूर, या फिर नयन सुख? आपको सटीक आंसर्स देना है, मुगल काल का हो, प्रसिद्ध कलाकार हो। सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध कलाकार में उस्ताद मंसूर ज़्यादा फेमस है। सही जवाब बी के साथ लगा लो, चाहे बाज पक्षी की रचना हो, चाहे मोर मोरनी की रचना हो, चाहे टर्की कॉक की रचना हो, चाहे आपसे पुष्पों के गुच्छों की बात हो, 100 से ज़्यादा पुष्पों के गुच्छ को बनाने का काम हो, उस्ताद मंसूर ने बखूबी बनाया। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ? नाम दिया गया सफ़ेद रंग, नीला रंग, पीला रंग, गेरू रंग। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से पूछे मित्रों, तब आपको लगाना होगा गेरुआ रंग, गेरुआ रंग। प्रागैतिहासिक काल में जो मुख्य रूपेण प्राथमिकी के रूप में दर्शाया गया है, वो है आपका गेरुआ रंग। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 77 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा रंग गर्म रंगों की श्रेणी में आता है?
नाम दिया गया नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग या फिर हरा रंग। गर्म रंग की श्रेणी में पूछा जा रहा है, रंग गर्म की श्रेणी में आ जाए तो सही जवाब लाल रंग बनेगा, सही जवाब सी के साथ बनेगा। ईमानदारी के साथ बताना मित्रों कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, राजपूत कला के किस क्षेत्र की है? तो राजपूत कला पंजाब की है, राजस्थान की है, बिहार की है या फिर आंध्र प्रदेश की है? राजपूत कला की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब राजस्थान क्षेत्र बनेगा, राजस्थान सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा जा रहा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नाम दिया गया नारंगी है, हरा है, बैंगनी है, नीला है। पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है उसे हम लोग बैंगनी के नाम से जानते हैं, तो पीला का रंग जो विरोधी है वो बैंगनी है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है पंचमढ़ी गुफा किस राज्य में स्थित है? नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पंचमढ़ी की बात हो तो आपको सटीक आंसर जो लगाना होता है वो सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश लगाना होता है, सही जवाब एमपी लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, मुख्य रंग कितने होते हैं? नाम दिया गया 3 है, 8 है, 5 है, 12 है। मुख्य रंग की अगर बात होती है तो उनकी संख्या 5 होती है, सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला निम्नलिखित में से कहाँ पल्लवित या पुष्पित हुई? नाम दिया गया गांधार यानी ग्रीको इंडियन में हुई, मथुरा यानी स्वदेशी में हुई है, अमरावती में हुई या फिर नागार्जुनी कोड में हुई है। आपको बताना है कुषाण वंश के शासनकाल में मूर्तिकला कहाँ पर पल्लवित होती है, तो मूर्तिकला की अगर बात हो तो अमरावती वाला बेल्ट याद रखना, सही जवाब सी के साथ लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है मित्रों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? नाम दिया गया 5 रंग, 9 रंग, 8 रंग, 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग? सही जवाब 7 रंग है। इंद्रधनुष आजकल गर्जना बरसना खूब ज़्यादा होती है, बारिश खूब ज़्यादा होती है, तो इंद्रधनुष बनता है बारिश के टाइम में, तो 7 रंग होते हैं, सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ है। 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तटस्थ रंग कौन सा है? नाम दिया गया लाल रंग है, पीला रंग है, काला सफ़ेद है या फिर नीला है। तटस्थ रंग की बात होती है मित्रों तो सटीक आंसर काला और सफ़ेद रंग बनता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि मास्टर ऑफ द माउंटेन या मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? नाम दिया गया असित कुमार हालदार जाने जाते हैं, निकोलस रोरिक जाने जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, फिर राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स की अगर बात हो तो मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हों जो केवल और केवल पहाड़ों की रचना किए हों उनके मास्टर हों, नाम निकोलस रोरिक आएगा, बी इज द राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएँ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा जा रहा है मित्रों कि डीपी धूलिया का चित्र पर्वत सेतु कहाँ सुरक्षित है जो डीपी धूलिया ने बनाया है? नाम प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज का दिया गया, कला भवन यानी भारत कला भवन शब्द दिया गया, उत्तर प्रदेश का राज्य ललित कला अकादमी दिया गया या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय दिया गया? डीपी धूलिया का चित्र है मित्रों पर्वत सेतु कहाँ पर है? सही जवाब प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है दृश्य कला विभाग प्रयागराज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाम दिया गया अजय जेटली हैं, प्रोफेसर हिरंबू चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं या फिर डॉक्टर मंजू अग्रवाल हैं। दृश्य कला विभाग प्रयागराज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान कला विभाग के अध्यक्ष कौन है? अजय जेटली। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दो, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है
एवोकेशन, ये 1:1 की रचना है, किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया सतीश चंद गुजराल की है, पाब्लो पिकासो की है, एडवर्ड मुंक की है, फिर सल्वाडोर डाली की है। एवोकेशन की बात होती है, किसकी पेंटिंग मित्रों एवोकेशन, तो एवोकेशन जो है पाब्लो रुई पिकासो की रचना है। सही जवाब पाब्लो रुई पिकासो लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित अस्तंभ के ऊपर रखा लैंप, स्तंभ के ऊपर रखा लैंप जो जल रंग में है और उसके साथ दीपशिखा, दीपशिखा भी आपकी जल रंग में है, किसके द्वारा निर्मित है? चाहे स्तंभ के ऊपर रखा लैंप पूछे, चाहे दीपशिखा पूछे, महादेवी वर्मा ने बनाया, क्षितिनाथ मजूमदार ने बनाया, अशोक कुमार हालदार की रचना है, या फिर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल की है? आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करें तो दीपशिखा हो या फिर स्तंभ के ऊपर लैंप रखा हो, महादेवी वर्मा की रचना है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा जा रहा है मित्रों कि राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र दूत वेश, दूत वेश में कृष्ण, दूत वेश में कृष्ण जो है तैलीय रचना है, ये किसके संग्रहालय में है? भारत कला भवन वाराणसी में राजा रवि वर्मा का दृश्य है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में है दूत वेश में कृष्ण, प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज में है, या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है? राजा रवि वर्मा का विश्व विख्यात चित्र है दूत के वेश में जो है कृष्ण है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में होगा, नई दिल्ली आंसर्स बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र है दैविक लो यानी डिवाइन फ्लेम, ये कागज पे जल रंग के द्वारा बनाई गई है, किसने निर्मित की है? SL हल्दानकर ने बनाई, AK हालदार ने बनाई, AN टैगोर ने बनाई, या फिर KN टैगोर ने बनाई, आपको बताना है। दैविक लो, दैविक लो की बात होती है, किसके द्वारा निर्मित है? SL हल्दानकर के द्वारा बनाई गई है, सही जवाब फर्स्ट के साथ दो, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, 92 नंबर क्वेश्चंस कहा जा रहा है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स ने अपना 150वां जयंती मनाया, नाम दिया गया 97 में मनाया, 2000 में मनाया, 2005 में मनाया, या फिर 2015 में मनाया? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स ने अपना 150वीं जयंती जो है 2005 में मनाई है, 2005 इस टाइम 163वीं मनाई गई है, ठीक है, 163वीं का 168वीं मनाई गई, 168वीं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 93 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों, पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में किया जाता है? तो पिघलाना हो एल्यूमिनियम को तो कौन सा पदार्थ? सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे, बोराक्स मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, या फिर अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे? तो एल्युमिनियम को अगर पिघलाना है तो उसके साथ अमोनियम क्लोराइड मिला दो, सही जवाब डी के साथ हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है भारत में प्राचीन इमारतों का संवर्धन तथा संरक्षण का कार्य सबसे पहले किसके प्रयत्नों से आरंभ हुआ? नाम दिया गया लॉर्ड कर्जन के, नाम दिया गया राजा राम मोहन राय के, नाम एरविस्ट वॉकटे का है, नाम जो है लॉर्ड मैकाले का भी दिया गया। प्राचीन इमारतों का संवर्धन और संरक्षण जो स्टार्ट होता है मित्रों कर्जन के समय से स्टार्ट होता है, तो सही जवाब कर्जन लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे रहा, क्या पूछा जा रहा है? किसे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? नाम दिया गया एम एफ हुसैन को, अंबादास को, जोगेन चौधरी को, या फिर परमजीत सिंह को? राष्ट्रपति भवन का जो क्यूरेटर नियुक्त किया गया था वो जोगेन चौधरी को नियुक्त किया गया था, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर सुनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा, ब्रश क्लब की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी, मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में, या फिर कोलकाता में? ब्रश क्लब की अगर बात होती है मित्रों तो ये एस्टेब्लिश होती है कोलकाता में, कब? 1830 में, यानी 1830 में।
तो सही जवाब जो है कोलकाता के साथ लगाओ, कोलकाता इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पीबी जानकी राम के वशिष्ठ धातु उत्कीर्ण बनाए जाते हैं, नाम दिया गया इंड जिनज प्राइसेस में, लास्ट बैक्स प्राइसेस में, सैंड क्रास्ट में या फिर रेस पाउस प्रोसेस में। पीबी जानकी रमन के जो विशिष्ट धातु उत्कीर्ण बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं रेस पाउस प्रोसेस में। सही जवाब जो है रेस पाउस प्रोसेस लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कि बंगीय कला संसद की स्थापना कहाँ हुई, नाम दिया गया मुंबई में, दिल्ली में, जोड़ासांको में या फिर शिमला में। बंगीय कला संसद की बात होती है, इसकी स्थापना की अगर बात हो तभी आपको जोड़ासांको बंगाल याद रखना होगा। सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों। पूछा जा रहा है इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की पहली प्रदर्शनी आयोजित हुई थी 27 अप्रैल 1907 को, 10 जनवरी 1908 को, 29 जनवरी 1908 को या फिर 11 नवंबर 1906 को। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की जो पहली प्रदर्शनी आयोजित होती है वो प्रदर्शनी आयोजित होती है 29 जनवरी 1908 को। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कि नौ बंगीय चित्रकला के जन्मदाता कौन रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, अवनींद्रनाथ टैगोर रहे, एम एफ हुसैन रहे या फिर अमनी रंजन रहे। आप जानते हैं नौ बंगीय चित्रकला के जो उद्रेता रहे या ठाकुर शैली के जन्मदाता रहे या फिर बंगाल शैली के जन्मदाता रहे वो रहे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब अवनी बाबू लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आप जानते हैं 125 प्रश्नों का सेट है, इसमें से 101 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है यंग आर्टिस्ट यूनियन का गठन हुआ था 1950 में, 31 में, 56 में या फिर 60 में। तो यंग आर्टिस्ट यूनियन जो गठित होता है 1931 में होता है। सही जवाब जो है सी के साथ लगाना होगा, 1931 राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 102 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कलाओं में किसको श्रेष्ठ माना गया, नाम दिया गया चित्र को, काव्य को, मूर्ति को या फिर स्थापत्य को। कलाओं में किसको श्रेष्ठ माना गया, तो श्रेष्ठतम की अगर बात हो तो काव्य लगाओ, सही जवाब जो है सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 103 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 103 नंबर क्वेश्चन मिला वह प्रसिद्ध कवि जिन्होंने चित्र सृजन भी किया, नाम दिया गया सैयद हैदर रजा, एम एफ हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर राम कुमार। प्रसिद्ध कवि जिन्होंने चित्र सृजन का कार्य किया हो, नाम क्या आएगा, नाम आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। मित्रों रचनाएं तो बहुत सारे लोगों ने बनाई लेकिन बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर पहले कवि हैं उसके बाद चित्रकार हैं, ठीक है। 67 वर्ष की उम्र में चित्रकला की तरफ आते हैं लगभग 70वें दशक में, ठीक है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है भारत में फ्रेस्को माध्यम में निर्मित सबसे पुराना भित्ति चित्र प्राप्त होता है, अजंता गुफा में, बाघ गुफा में, जोगीमारा गुफा में या फिर भीमबेटका गुफा में। भारत में फ्रेस्को माध्यम में निर्मित हो सबसे पुराना भित्तीय रचना हो कहाँ से मिलता है, अजंता गुफा से मिलता है। सही जवाब फर्स्ट साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों क्या इतावली कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई द क्रिएशन ऑफ एडम का माध्यम क्या है, तैल रंग है, टेम्परा है, फ्रेस्को है, सेस्को है। द क्रिएशन ऑफ एडम का जो माध्यम पूछा जाए मित्रों तो आपको फ्रेस्को तकनीकी लगानी होगी। सही जवाब फ्रेस्को लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 106 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा मित्रों सूजा की कला है, नाम दिया गया इरेटिक है, धार्मिक है, दार्शनिक है या फिर तीनों।
फ्रांसिस न्यूटन सूजा की बात होती है, F.N. सूजा की बात होती है। कला कैसी है इनकी? इनकी कला इराटिक है, इराटिक। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस जो है 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? जंगल युग, प्राचीन युग, प्रागैतिहासिक युग या फिर सिंधु युग। आदि मानव की जो कला है कौन से युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से संबंधित। तो सही जवाब प्रागैतिहासिक युग लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 108 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जो है किस काल से है? नाम दिया गया प्रागैतिहासिक काल से है, आदि ऐतिहासिक काल से है, ऐतिहासिक काल से है या फिर मध्यकाल से। सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बात की जा रही है। सही जवाब बनेगा आदि ऐतिहासिक काल। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किस आकारों में की जाती थी? नाम दिया गया ज्यामितीय आकार, आलंकारिक आकार, प्राकृतिक आकार या फिर लयात्मक आकार। वैदिक यज्ञ वेदियों की जो रचना है कौन से आकार में की जाती थी मित्रों? तो ज्यामितीय आकार में की जाती थी। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर बनता है। आज भी देखते होंगे यज्ञ की वेदी ऐसे बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कई जगह कई टाइप की बनती हैं, ज़्यादातर मामले में आपको त्रिभुजाकार दिखाई देती होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 110 नंबर पूछा जा रहा है, अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? नाम दिया गया बाघ में हुआ, एलिफेंटा में हुआ, जोगीमारा में हुआ या फिर भीमबेटका में हुआ। अजंता से पहले किस गुफा में भित्तीय चित्रण हुआ है? तो भित्तीय चित्रण की अगर बात होती है तो नाम आपको जोगीमारा गुफा याद रखना होगा, जो सरगुजा रियासत वाली जोगीमारा है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? नाम दिया गया जैन है, हिंदू है, बौद्ध है, इस्लाम है। अजंता गुफा चित्रों का जो मुख्य विषय है वो क्या है? बौद्ध धर्म है। अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है। 30 गुफाएं होती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, रंगों के प्रयोग के लिए षडांग में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लावण योजना, सदृश, वर्णिका भंग या फिर वर्तना। रंगों का प्रयोग आप षडांग में क्या कहेंगे? तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश वर्णिका भंगम इति चित षडांग। वर्णिका भंग का मतलब है वर्णों का भंग यानी मिलान, तो वर्णों का ज़्यादा प्रयोग वर्णिका भंग में हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 113 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, कल्पसूत्र के चित्रों की शैली कौन सी है? नाम दिया गया राजस्थानी शैली, प्राकृतिक शैली, अभ्रंश शैली या फिर पहाड़ी शैली। कल्पसूत्र के चित्रों की जो शैली है वो कौन सी है मित्रों? तो सही जवाब बनता है प्राकृतिक शैली। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पाल शैली का युग कौन सा था? प्राचीन काल था, प्रागैतिहासिक काल था, मध्यकाल था या फिर उत्तर मध्यकाल था। पाल शैली का जो युग रहा है मित्रों वो रहा है मध्यकाल। तो सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, पश्चिम देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है ना कि विचारों की? क्लाइव बेल ऐसा कहते थे, हिंगल कहते थे, पेंटिफेस्की कहते थे या फिर क्रोंचे महोदय ऐसा कहते थे? कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है ना कि विचारों की, ऐसा कथन रहा है क्रोंचे महोदय का। तो सही जवाब क्रोंचे के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर सुनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, कालकाचार्य कथा क्या है? हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम। कालकाचार्य कथा का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 117 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ। पूछा जा रहा है मित्रों, किस शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं?
नाम दिया गया जयपुर शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली या फिर मेवाड़ शैली। कौन सी शैली की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं? तो सही जवाब आपको नाथद्वारा शैली लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 118 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, चित्रश्रुत किस ग्रंथ का एक भाग है? नाम दिया गया है समरांगण सूत्रधार का भाग है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग है, कल्पसूत्र का भाग है या फिर जय मंगला का भाग है। चित्रसूत्र कौन से ग्रंथ का? तो सही जवाब विष्णु धर्मोत्तर पुराण का बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, मानसोल्लास का लेखक कौन था? नाम दिया गया शंकराचार्य हैं, रूप गोस्वामी हैं, सोमेश्वर हैं या फिर बाणभट्ट हैं। मानसोल्लास की अगर बात होती है, सही जवाब सोमेश्वर बनते हैं, सही जवाब बी के साथ बनते हैं, बी इज द राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? नाम दिया गया अजंता शैली, राजपूत शैली, मुगलिया शैली या फिर पहाड़ी शैली। बारहमासा का जो ज़्यादा चित्रण हुआ है मित्रों, पहाड़ी शैली में हुआ है। तो सही जवाब जो है पहाड़ी शैली, दो डी इज द राइट आंसर्स बना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रसिक प्रिया के लेखक कौन था? नाम दिया गया सूरदास हैं, बिहारी हैं, केशवदास हैं या फिर तुलसीदास हैं। रसिक प्रिया किसकी अच्छी रचना है मित्रों? चार नामों में एक नाम सही होगा, सही जवाब केशवदास हैं। रसिक प्रिया केशवदास की अच्छी रचना है, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 122 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मालवा में चोर पंचाइशका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? नाम दिया गया गयासुद्दीन के, बाज बहादुर के, नसीरुद्दीन के या फिर कुतुबुद्दीन के। चोर पंचाइशका की बात होती है, मालवा के राज्य की है ये। चोर पंचाइशका का चित्रण किसके संरक्षण में हुआ है? अगर संरक्षण की बात आए तो नसीरुद्दीन आंसर्स लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 123 नंबर क्वेश्चंस आएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि जयपुर के किस चित्र को या जयपुर के चित्र कौन सी शैली में आते हैं? नाम दिया गया मुगलिया शैली, पहाड़ी शैली, कछवाहा शैली या फिर बूंदी शैली। जयपुर में आप जानते हैं कछवाहा शासकों ने शासन किया है, तो इसे कई कई बार कछवाहा शैली भी कहा जाता है, कछवाहा राजवंश भी कहा जाता है। तो सही जवाब कछवाहा के लगाओ, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था कौन सी शैली में मिलती है? मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली या फिर जोधपुर शैली। तो कदली वृक्ष और आम्र वृक्ष की जो वैकल्पिक व्यवस्था आपको दिखाई देती है, कहाँ पर दिखाई देती है? सही जवाब जो बनेगा बूंदी शैली बनेगा मित्रों, सही जवाब जो है बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अंतिम क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। 125 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं? नाम दिया गया जयपुर में, किशनगढ़ में, उदयपुर में या फिर मेवाड़ में। कौन सी शैली में छोटी नौकाएं जो है लाल रंग में प्रदर्शित की गई हैं? सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब किशनगढ़ बनेगा, जहां की सबसे अच्छी रचना बनी ठनी है, जिसे भारत